सीएम फेस के ऐलान के बाद क्या कुछ कहा है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, वो सुनाते हैं आपको। हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, तो ये वो तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी ने मंच से मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया। और ये वो बातें हम आपको तब की सुना रहे हैं कि ऐलान से पहले उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा चेहरा लेकर आना चाहते हैं जो गरीबों की तकलीफों को समझे, जो गरीबों के लिए काम करे, और हमने इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी को चुना है। और इससे पहले भी आपको हम बता दें, जब 111 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले सोचा नहीं था चरणजीत सिंह चन्नी ने कि उनके नाम का ऐलान होगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा, जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि कोई गरीबों को भी सुनता है या चाहता है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे बने, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा सोचा, ये बड़ी बात। और अभी उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उतारा गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको श्री चमकौर साहब की दिखा रहे थे जहां पर उनका परिवार मौजूद, और वो सीधे तौर पे ये कहते हुए कि मुझे बहुत खुशी है।